डायग्राम आपके पास ही डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क सिनेरियो, क्या ड्रॉबैक्स आपको नजर आती हैं इस डायग्राम में? यहाँ अगर हम देखते हैं तो 50 आईपी एड्रेस हैं, बट हमने 62 आईपी एड्रेस दे रखे हैं। यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर भी सेम दे रखे हैं और यहाँ पर भी सेम दे रखे हैं, तो क्या इनको भी बचाया जा सकता है? यस। नेक्स्ट टेक्निक आई इसके बाद VLSM। और ये VLSM आपके पास आया 1987 के अंदर, यानी सबनेटिंग के 2 साल के बाद। VLSM का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्लास फुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर नेटवर्क आईडीज विद वेरिएबल मास्क। वहां पर क्या था? कांस्टेंट मास्क था, सेम मास्क था। तो अगर एक हॉल के छोटे छोटे कमरे बनाए जाएं, उनका साइज इक्वल रखा जाए तो सबनेट है, और अगर उनका साइज अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए तो वेरिएबल लेंथ सबनेट। VLSM का फुल फॉर्म क्या हो गया? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, यानी मास्क की लेंथ कांस्टेंट ना हो तब भी VLSM हो गया। तो अब जो VLSM है, अगर मान लो 1987 में किसी का नेटवर्क डिज़ाइन किया गया होता तो टेक्निक मौजूद थी, क्या मौजूद थी कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रूम्स बना सकते हैं, तो फिर मुझे कांस्टेंट रूम बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो मैं स्टार्टिंग से क्या करता, एक रूम 50 मीटर का बनाता, एक 25 का और एक 2 मीटर का बनवाता। बट अगर आज की डेट में ये कोई करे कि भाई पहले सारे ही रूम कॉमन बना दे तो फिर ये तो सही नहीं है, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अब हमारे डायग्राम में प्रॉब्लम ये है आपको समझाने के लिए कि हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ताकि हम दिखा सकें कैसे कैसे सेविंग हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा अभी, बट इन 3 का यूज़ हुआ। तो अब हम देखें कि जो हमने दिल्ली के लाइन पे ये दे रखा है सबनेट, क्या ये सही है कि नहीं है, क्या ये सही है कि नहीं है, चूँकि कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनके बेसिस पर हम इनको आईपी एड्रेस देंगे। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है, हो तो रहा है। एक टर्म होता है ब्लॉक साइज, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, और ब्लॉक साइज के अंदर एक टर्म होता है ब्लॉक साइज, और ब्लॉक साइज के अंदर आती है नेटवर्क आईडी प्लस वैलिड आईपी की रेंज प्लस बीआईडी। ब्लॉक साइज में सब कुछ होता है। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि जो ब्लॉक साइज हैं वो कौन कौन से एग्जिस्ट आपके पास करते हैं, ब्लॉक साइज जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो ब्लॉक साइज हुए हैं आपके पास, 1 का ब्लॉक साइज होता है, 2 ब्लॉक साइज होता है, 3 नहीं होता, 4 होता है, जो पावर्स हैं 8 होता है। इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ये जो है आ नहीं पाएगा ऐसे। जो हमारे पास ब्लॉक साइज हैं वो 1 होता है, 2 होता है, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256, यानी एक ऑक्टेट के अंदर
जो ब्लॉक साइज आते हैं उनकी वैल्यूज यही हो सकती हैं, एक का ब्लॉक साइज भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है। जैसे अभी आपने निकाला, अभी आपने 16 का ब्लॉक साइज निकाला, अभी आपने 4 का ब्लॉक साइज निकाला, और कुछ देर पहले हमने कितने ब्लॉक साइज निकाला, 64 का ब्लॉक साइज निकाला। तो एक ऑक्टेट के अंदर कितने ब्लॉक साइज आ सकते हैं, 1 से लेकर 256 तक आ सकते हैं। अब अभी चूंकि हम क्लास सी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लास सी में जो ब्लॉक साइज हो सकता है वो होता है यहां से लेकर यहां तक। क्लास सी में ब्लॉक साइज मिनिमम 4 हो सकता है और मैक्सिमम 256 होता ही है। 4 क्यों हो सकता है मिनिमम, आपने कितनी बिट्स बोरो ली, अभी 6 बिट्स बोरो ली 52 के लिए, तो कितनी बिट बची है उसकी, 2। अगर आपने 7 बिट ले ली होती तो वैलिड आईपी कितने बचते, 0। जो वैलिड आईपी का फार्मूला क्या है, 2 की पावर n-2, रिमेनिंग जीरोस, तो रिमेनिंग जीरोस 1 बचता, तो 2 का पावर 1-2 कितना हो जाता, 0 हो जाता। दैट्स व्हाई मिनिमम ब्लॉक साइज क्लास सी के अंदर 4 ही हो सकता है, क्योंकि वहां वैलिड आईपी एड्रेस नहीं बचेंगे, ब्लॉक साइज का फायदा ही नहीं है अगर वहां पे वैलिड आईपी ना हो। और जो क्लास आपके पास बी और सी बचा उनमें ये सारे आते हैं। जब क्लास बी की सबनेटिंग करेंगे एक ही तो देखेंगे वहां पे, क्लास बी के अंदर और ए के अंदर, ए बी के अंदर ब्लॉक साइज 1 भी होता है और 256 तक भी होता है, बट सी के अंदर मिनिमम 4 मैक्सिमम 256। जब भी आईपी एड्रेस आईएसपी आपको देगा या आप अपने ऑफिस में पर्सनल डिजाइनिंग करेंगे, इस ब्लॉक साइज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ब्लॉक साइज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आप देंगे, आप इसको डिनाई करके काम नहीं कर सकते। अगर हम यहां डायग्राम देखें अपना, दिल्ली का अगर लेंथ देखें, कितने आईपी चाहिए, 50। तो 50 तो आईपी वो हैं जो कि यूजेबल हैं। इसकी एक एनआईडी भी तो चाहिए, इसकी एक बीआईडी भी तो चाहिए, टोटल कितने हो गए, 52। बट 52 का क्या कोई ब्लॉक साइज होता है, नो, कौन सा होता है, तो फिर तो हमने ठीक है। यानी ये 64 हमने यूज किया है दिल्ली के लैन के ऊपर और ये सही किया, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी यहां पर जो रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज है, यहां पर जो रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज है वो 64 था और हमने अप्लाई भी 64 किया हुआ है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो आनी 64 के अंदर है। ऐसे मान के चलें कि आपने जो जगह बेचनी है, जो आपके पास जगह है, ये आयताकार तो है बट इसके साथ क्या है कि थोड़ा सा ऐसे भी है, टेपर भी है, 2-3 मीटर टेढ़ी जगह भी है। जब आप बेचते हो तो आप क्या करते हो, डिवाइड वाले सिस्टम, हाँ जी, डिवाइड वाले सिस्टम आपके सामने ही तो है भाई, 64 में ही तो आ रहा है, यही तो ब्लॉक साइज है, पावर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अप्लाई भी हमने 64 कर रखा है आपके सामने, 0/26, 64 का ही तो ब्लॉक कर रखा है, 64 का ही तो ब्लॉक है ना, जो पीछे हमने डिजाइनिंग किया था, अरे के अंदर ब्लॉक साइज कितना है, 64 ही तो, मास्किंग 26 के ऊपर, मास्किंग 26 ही रही, ये 26 में ब्लॉक साइज कितना, 64 है। तो यहाँ पे तो उसमें रिक्वायर्ड उसके आईपीस के जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं होगा, जो भी आप आईएसपी से परचेज करेंगे वो ब्लॉक साइज के अंदर ही लेन देन होना है, आप दें या लें वो ब्लॉक साइज के अंदर ही होगा। और ब्लॉक साइज पहले से डिफाइंड है बाइनरी मैथमेटिक्स से, कोई भी कुछ नहीं कर सकता आज के डेट में, ये ब्लॉक साइज ही एग्जिस्ट करते हैं। और ब्लॉक साइज बराबर क्या होता है, नेटवर्क आईडी का इंक्लूड होना, बीआईडी का इंक्लूड होना, वैलिड आईपी का इंक्लूड होना। तो उसको चाहिए 50, बट 50 का ब्लॉक साइज किस में आता है, 64 के अंदर, मजबूर है कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ बता रहे थे कि आपने एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास थोड़ी सी अगर तिकोनी जगह हो तो अगर हम चौकोर करके किसी को भेजें तिकोनी जगह कोई भी नहीं लेता है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपके पास बच जा रहा है यहाँ पर, वो कभी यूज़ हो सकता है, जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, अभी तो फिलहाल यूज़ नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर अभी 50 तो यूज़ होंगे
बट हैं कितने वैलिड इसके अंदर, 62, यानी 62 में से अगर ये घटाएं तो कितने 12 IPs यहाँ वेस्टेज हो रहे हैं, जिसका ISP तो आपसे चार्ज लेगा, क्योंकि ISP घर से तो जगह जा रही है ना। या तो आप एक करो काम करो कि ये ना करके ब्लॉक साइज 32 का ले लो, रिक्वायरमेंट 30 कर लो, तब तो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ IPs एक्स्ट्रा वेस्टेज होंगे, जिसका रिजल्ट आज की डेट में भी नहीं है कि हम उसको बचा सकें, ये तो होने होने मजबूरी है। यहाँ पर रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज कितने, रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज कितना है, 4, क्योंकि दो किस में आएगा, 4 के ब्लॉक साइज में, दिल्ली और बॉम्बे का जो वैन लिंक है उसमें 4 का ब्लॉक साइज हमें सुफिशियंट है, बट हमने दे कितने का रखा है, या हमने अप्लाई कर रखा है ब्लॉक साइज कितने का, 64 का, ये गलत कर रखा है, ये तो सही कर रखा है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 का ब्लॉक, 4 का ब्लॉक साइज है सेपरेट, तो 64 में से 4 सेपरेट किया जा सकता है, तो 60 IP address बचाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर वी कैन सेव 60 IP address, यहाँ हम सेव कर सकते हैं 60 IPs को, कैसे देखेंगे थोड़ी देर। यहाँ पर आते हैं, यहाँ रिकॉर्ड ब्लॉक साइज कितना है, 25 है, 25 किस में आएगा, यहाँ पर ये बॉम्बे के लैंड में अप्लाई हो सकता है, बट हमने अप्लाई क्या कर रखा है, रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज है 32, और हमने अप्लाई कितना कर रखा है, 64, तो यहाँ पे कितने सेव हो सकते हैं, 32, वी कैन सेव, क्योंकि 32 का ब्लॉक सेपरेट है, सेव 32 IPs, यहाँ पे 32 सेव हो सकते हैं और वहाँ पे 60 सेव हो सकते हैं, पहले इतना मॉडिफिकेशन करें। दिल्ली के लैंड पे सही ब्लॉक साइज है, दिल्ली बॉम्बे पे गलत ब्लॉक साइज अप्लाई किया गया था, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी इसलिए हमने गलत कर दिया था। अब आ चुकी है तो सही कर लेते हैं, ऐसे ही बॉम्बे के लैंड के ऊपर भी गलत है, उसको भी हम सही कर लेते हैं, ये भी आपके पास गलत है, ये सही है आपके पास। सबका मॉडिफिकेशन ये नोट कर लिया सबने, आगे चलें। ये मॉडिफिकेशन यहाँ कर लिए किसी ने करना हो कि दिल्ली में इतना चाहिए, बॉम्बे में इतना चाहिए, यहाँ इतना चाहिए। तो VLSM के आने से हम ब्लॉक साइज को वैरी कर सकते हैं, सबनेटिंग में ब्लॉक साइज वैरी नहीं हो सकता था। अब एक का हम 64 रख सकते हैं ब्लॉक साइज, दूसरे का 32, तीसरे का 4 रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं, ये सबनेटिंग में पॉसिबल नहीं था, सबनेटिंग में कांस्टेंट था।
अब VLSM भी तो वही है, इट्स ए काइंड ऑफ सबनेटिंग है। और फिर अगर हम सबनेटिंग करने बैठेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने जो 7 या 8 स्टेप 9 स्टेप लिखे थे, उन स्टेप को एक टेबल में फॉर्म कर देते हैं। आपने टेबल याद करनी है, टेबल अगर आपने याद कर ली तो कोई भी आईपी एड्रेस आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आधे मिनट में किसी भी सवाल का आप आंसर निकाल सकते हैं। तो VLSM करने से पहले एक टेबल हम फॉर्म करेंगे। टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर लें, टेबल का नाम डालें आईपी सबनेट कैलकुलेशन टेबल, और अगले हफ्ते वो टेबल आपको याद हो। नंबर ऑफ बिट्स बोरो, एक काम करें मेरे को टेबल बना लेते हैं पहले, उसके बाद बनाए, चूंकि टेबल बड़ी है थोड़ी, कभी ना आ पाए आपके एक पेज में। सबनेट मास्क को शॉर्ट फॉर्म में आप एसएम लिख देंगे। ब्लॉक साइज यानी 256 माइनस एसएम। स्लैश एन क्लास सी के लिए, के लिए, ए के लिए, नंबर ऑफ सबनेट का फार्मूला 2 की पावर n, और नंबर ऑफ वैलिड आईपी क्लास सी के लिए, बी के लिए, ए के लिए। अब आप टेबल बना सकते हैं। इस टेबल के अंदर पूरा सॉल्यूशन है, बट आपने पूरा सॉल्यूशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ की कंपोनेंट याद करने हैं जो आपको समझाएंगे।
टेबल फॉर्म हो गई सबकी, समझे इसको पहले। यहां पर हमने लिखा नंबर ऑफ बिट्स कितनी बोरो लीजिए, कोई भी ऑक्टेट हो उसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, आरटी होती हैं, ए का हो बी का हो सी का हो। अभी हम क्लास सी की बात कर रहे हैं, अगर हमने एक बिट बोरो ली, क्लास सी में कितनी बिट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट 24, अगर हमने एक बिट बोरो ली तो मास कितना हो जाएगा उसके अंदर 128, चूंकि 8 बट अगर 0 0 एक बिट अगर ली तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली एक बिट ऑन की एक पर कितना हो गया 128, दो बिट अगर ऑन की तो कितना हो गया 192, तो ये शॉर्टकट आपके पास आ गए, तीन पर कितना हो गया 224, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, चार पर 240, पाँच पर 248, छः पर 252, सात पर 256, आठ पर 255, किसी भी ऑक्टेट के अंदर एक बिट बोरो लेंगे 128 ही होना है उस स्पेसिफिक ऑक्टेट के अंदर। उसके अंदर ब्लॉक साइज कितना आ जाएगा, वॉट एवर दी वैल्यू ऑफ दी मास उसको हटा देंगे, यानी 256 माइनस SM, तो अगर एक बिट बोरो लिए तो ब्लॉक साइज इतना होगा, दो पर कितना 64 आप देख चुके हैं, तीन पर आपने नहीं देखा बट चार पर आपने देखा ब्लॉक साइज 16 आया, फिर आपने देखा छः पर ब्लॉक साइज कितना आया 4 आया। तो ये जो हमने लिखा है वाइट कलर से सारा, ये रहा ब्लॉक साइज रहा, सबनेट मास्क रहा, ब्लॉक साइज रहा, और कितने सबनेट्स बनेंगे, एक बिट लेंगे दो ही बनेंगे, दो लेंगे चार बनेंगे, तीन लेंगे आठ बनेंगे, ये क्लास ए के लिए भी, क्लास बी के लिए भी, क्लास सी के लिए भी ये कॉमन है। अब क्लास सी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्लास सी में बाय डिफॉल्ट कितने बिट्स हैं 24, इफ यू आर टेकिंग दी वन बिट बोरो कितनी हुई 25 स्लैश 25 भी बोल सकते हो, या तो स्लैश 25 बोलो या 255 128 बोलो, एक ही बात है। दो बिट बोरो करेंगे कितना होगा 26 27 24 ऑलरेडी थी 28 29 और 30, याद रहे 30 बिट से ऊपर आप बोरो नहीं ले सकते, यानी मैक्सिमम बिट नेटवर्क की कितनी हो सकती हैं किसी भी आईपी के अंदर, चाहे ए का हो बी का हो सी का हो, 32 बिट कितनी होती हैं आईपी की होती हैं, 30 बिट नेटवर्क की हो सकती हैं बस मैक्सिमम, क्योंकि दो बिट तो छोड़नी पड़ेंगे आपको किसके लिए, इसके लिए, इसका फार्मूला 2 का पावर n-2, अगर 7 बिट अगर आपने बोरो कर ली तो व्हाट विल हैपन, 0 हो जाएगा। तो जब क्लास सी में आपने एक बिट बोरो की तो कितनी बची है उसके अंदर 7, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 2, जब आपने दो बिट्स बोरो ली तो कितनी बची 6 माइनस 2, यहाँ पर 5 माइनस 2, यहाँ पर 3 माइनस 2, नहीं 4 माइनस 2, जब 4 बिट्स लेंगे तो 4 बचेंगे, 4 माइनस 2, यहाँ पर 3 माइनस 2, और यहाँ पर 2 माइनस 2, ये आप कर चुके हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आगे जब हम करेंगे अगले टर्न पे क्लास बी की सबनेटिंग, ये आपको बता देंगे थोड़ा सा प्रीव्यू अभी, तो क्लास बी के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी बिट्स होती हैं 16, अगर एक बिट बोरो करेंगे तो मास कितना हो जाएगा 255 255 128.0, यानी स्लैश 17, दो बिट अगर बोरो कर लेंगे 255 255 192.0, यानी 16 और 2 18, अगर तीन बिट बोरो करेंगे तो कितना हो गया 19, ये स्लैश 20 21 22 23 24, अगर क्लास सी के बी के अंदर अगर हमने 7 बिट बोरो भी कर ली तब भी होस्ट की बिट्स बची है ना 8 और 1 9, और अगर हमने 8 बोरो कर ली तो 8 तो अभी भी बची है, तो क्लास सी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, या क्लास सी बी के अंदर हम मैक्सिमम 30 बिट ले सकते हैं, यानी किसी भी क्लास के अंदर 30 बिट ही नेटवर्क की हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो सकती। अब क्लास बी में 16 थी, एक बिट ली कितना बचा 2 की पावर 15 माइनस 2, दो बिट ले ली तो 14 माइनस 2 13 माइनस 2 12 माइनस 2 11 माइनस 2 10 माइनस 2 9 माइनस 2
8 माइनस 2, यानी अगर क्लास बी के अंदर 8 बिट कॉमन ले ली जाएँ तो वैसे ही हो गया जैसे जितना स्पेस क्लास सी की एक नेटवर्क में था, 8 माइनस 2 था, इसमें भी 8 माइनस 2 हो गया। और अगर हम क्लास ए के अंदर जो लेते हैं वो 8 बिट है बाय डिफॉल्ट, एक बिट बोरो करेंगे कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो गया, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 23 माइनस 2, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 24 होती है, एक ले लिया गया है, 2 की पावर 22 माइनस 2, 2 की पावर 21 माइनस 2, 2 की पावर 20 माइनस 2, 2 की पावर 19 माइनस 2, 2 की पावर 18 माइनस 2, 2 की पावर 17 माइनस 2, 2 की पावर 16 माइनस 2। इसमें तो हमने पूरा सॉल्यूशन ले दिया यार, एक का क्लास ए का भी बी का भी सी का सबको सॉल्यूशन डाल दिया। अब इसको यूज कैसे करना है, आपने आपने सिर्फ याद करना है एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, बस दो वैल्यू आपको याद हो, क्योंकि कितनी बिट्स बोरो का बात यहां शुरू होती है, कितनी बिट्स बोरो लेते हो सारे का वहां शुरू होती है, जितनी बिट्स बोरो लेते हो उस पर मास्किंग क्या होती है, जो भी मास्किंग आए 256 में से घटा दो आपको ब्लॉक साइज मिल गया, आपको ब्लॉक साइज मिला नहीं सारे सॉल्यूशन आपके अलग है। तो ये तो है कैलकुलेट करने के लिए टेबल, अब इसका आंसर कैसे लिखें उसके लिए भी एक टेबल का फॉर्मेट है, बाद में आपको नहीं बनाना पड़ेगा, फिलहाल स्टार्टिंग में है तो आपको करना पड़ेगा सारी चीज़ें, ये नोट कर लिया अभी। इसका यूज़ कैसे करेंगे पहले आगे देखिए। अब जो सॉल्यूशन टेबल है उसमें हम क्या करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे नेटवर्क आईडी, ये हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक तरह पर लिखेंगे हम फर्स्ट वैलिड आईडी, यहां लिखेंगे हम लास्ट वैलिड आईडी, और लिखेंगे बीआईडी। ये आपका यहां पर आ जाएगा फर्स्ट सबनेट, यहां पर सेकंड, यहां पर थर्ड, और लेट्स सी लास्ट, यानी पहला दूसरा तीसरा और लास्ट। अब सॉल्यूशन हम कैसे लिखें इस टेबल के अंदर देखें, आपने जो क्वेश्चन अभी किए हैं उसमें एक नंबर था आपके पास, अभी आप देखें नोट ना करें, उसमें एक नंबर था 199.10.20.0/24, ये नंबर था, और इसमें हमने आपको क्लास में करवाया था कि कैलकुलेट करें किसके लिए, एक बार तीन सबनेट के लिए मैंने कर किया, आपको 13 सबनेट के लिए दिया गया, फिर 52 के लिए दिया गया। अब देखें अगर हम इस टेबल का यूज करें किसी में तो कैसे करेंगे, यहां आपको दिया जा रहा है नंबर ये और कहा जा रहा है तीन के लिए कैलकुलेट करें, थ्री सबनेट के लिए, तो तीन सबनेट को भाई स्टॉप कर दें लिखना, समझ लें थ्री सबनेट को कैलकुलेट करने के लिए कितनी बिट्स ऑन करनी पड़ेगी, हाँ जी क्या हो गया टेबल सामने रखे हैं अपने पास, आपको कहा जा रहा है पहले थ्री सबनेट्स के लिए कैलकुलेट करना है, एनआईडी बीआईडी फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड निकालनी है, तो तीन सबनेट्स के लिए कितनी बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी, आपके पास यहाँ सॉल्यूशन भी है सब कुछ है, यानी चार सबनेट के अंदर आ गया, तीन सबनेट्स ही वो किसमें आ रहे हैं यहाँ पर,
और अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो कितनी बिट्स ऑन करनी पड़ती है, दो। अगर आपको फार्मूला डायरेक्टली याद है, तीन सबनेट के लिए कितनी बिट्स, दो, दो पर कितना 192। अगर आपको ये दो पैरामीटर्स याद हो जाए ना तो 50% टाइम आपका कम हो गया सबनेटिंग के अंदर, सीधा सीधा। तीन सबनेट के लिए दो बिट्स, दो पर कितना 192 पर ब्लॉक साइज कितना। अगर आप घड़ी देख के भी देखेंगे ना तो आधे मिनट में आप आंसर दे रहे हैं अभी। तीन सबनेट के लिए कितने बिट्स, दो, दो पर ब्लॉक साइज कितना, सॉरी मास कितना 192, ब्लॉक साइज कितना 64। बट 64 निकल आया, आपने क्या करना है, अब 64 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। और हर एक टेबल वहां तो 21 से 2 शुरू होती है, हमारे यहाँ पे ऐसे मान के चलें 20 से शुरू होगी, पहली जीरो से। ब्लॉक साइज कितना है 64, ये 64, फिर कितना है 128, फिर 19, क्योंकि इसमें लास्ट ये आ ही रहा था, दैट्स व्हाई 192 यहाँ पर आ गया। तो ये क्या आ गई, नेटवर्क आईडीज आ गई। सेकंड एनआईडी से एक कम नीचे आ जाइए 63, इससे एक कम यहाँ आ जाइए 127। अब ऐसा नहीं कि ये तो इत्तेफाकन है कि ये लास्ट आ रहा है, हो सकता है कि 192 यहाँ था, तो इस एनआईडी थर्ड के बाद जो फोर्थ एनआईडी आती, फोर्थ एनआईडी से एक कम यहाँ पे कितना आ रहा है 190 बना रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 255। अब एनआईडी से एक ज़्यादा प्लस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन और ये माइनस वन, ये आपका सॉल्यूशन निकल आया, क्योंकि इतना तो कांस्टेंट है, यानी थ्री सबनेट के लिए आपका सॉल्यूशन निकल आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, तकरीबन 10-15 मिनट आपको लगे थे। अब 13 सबनेट के लिए कितनी बिट्स बार होंगी, 13 सबनेट के लिए कितनी बिट्स बार होंगी, फोर पर कितना 240, 240 पर कितना 16। बस ऐसे याद करने का, फिर 16 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर 16 का पहाड़ा याद होना चाहिए, यानी इसके लिए 13 के लिए क्या आ जाएगा, 0 16 ये आपके पास 16 32 और लिखना चाहिए 48 और लास्ट कहां तक पे जाएगा 240 तक, ये लास्ट सबनेट होगा। 16 से एक कम यहाँ 15, यहाँ कितना 31, यहाँ कितना 47, इतना काफ़ी है। लास्ट में 255, यहाँ पर कितना एक, ये 17, ये 33, ये कितना 14, ये कितना 30, ये कितना 46। अब 52 के लिए कितना, कितनी बिट्स लेनी पड़ेंगी 52 के लिए, 64 नहीं भाई, आपने पहले बिट्स देखनी है, हाउ मेनी बिट्स यू विल टेक बोरो फॉर दी 52 के लिए, 6 पर कितना 252, प्रोसीजर ये रखना है, 6 पर कितना 252, 250 पर कितना ब्लॉक साइज 4, तो 4 का पहाड़ा याद होना चाहिए आप, 0 4 दुनिया 8 तिया 12 और लास्ट में 252, यहाँ कितना आ गया 37, यहाँ 11, यहाँ कितना 255, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपने, मेथड तो वही है, बेस तो वही है जो आपने किया है, अगर वो नहीं किया होता तो ये अंडरस्टैंड कुछ होते ही नहीं। अंडरस्टैंड इसलिए हो रहा है बिकॉज बेस वहाँ कर चुके हो, आगे से इंटरव्यू पर्पज के लिए और अपने फास्ट अपनी स्पीड को एनहेंस करने के लिए आपने इस टेबल का इस्तेमाल करना, सब कुछ सॉल्यूशन इसमें है। यहाँ पे वैलिड आईपी भी कितने बचे हुए मौजूद हैं, कितने सबनेट्स बन रहे हैं, कितनी मास्किंग हो रही, सब कुछ है। बट आपका जो आंसर है वो यहाँ पर निकल गया है, नोट कर लें इस चीज़ को। अब क्लास बीबीसी से करेंगे और एबीसी से करेंगे अगले हफ्ते में, चलो। इस टेबल को रीड करना किसी को ना आया हो तो पता कर ले मेरे से, 12:30 आपके बच चुके हैं, क्लास अभी इसके बाद बंद कर देंगे। अगले सैटरडे में आपकी आईपी एड्रेसिंग का दी एंड हो जाएगा, वहां पे वीएलएसएम बचता है, समराइजेशन और सुपर नेटिंग बचती है। और सैटरडे के बाद जो संडे आएगा, संडे में हम
राउटर्स के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे, राउटर के बेसिक कमांड क्या है, कैसे होने हैं। तो अगले संडे में जिनके पास, कमिंग संडे में जिनके पास लैपटॉप्स हों, संडे में नॉट इन सैटरडे, संडे में वो अपने लैपटॉप लेते हैं, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन हम रियल राउटर्स पे आपको करके दिखाएंगे वो आप अपने घर पर अपने मशीनों के ऊपर कर सकते हैं। मशीनों पर कुछ हमें टूल्स डालना पड़ेगा जो कि सिमुलेटर नहीं होगा, जो कि रियल इमेज होगी रूटर्स की जो फंक्शन करेगी वहाँ पे। तो VLSM का यूज़ हम अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि टाइम तकरीबन और आधा घंटा लग जाएगा, तो उसको अगले हफ्ते करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी फिलहाल आपका होमवर्क ये है कि आपने घर पर जितना किया है अभी कल और आज में इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ क्वेश्चन हम आपको क्लास बी के दे दें जो हमने आपको नहीं कराए, ट्राई और सेल्फ। मेथड वही रहेगा जो हमने क्लास सी के अंदर करवाया था 9 स्टेप्स में। इस टेबल से अभी ना करें क्लास बी का, इस टेबल से हम करना बता देंगे बाद में। चलें अभी नोट कर लिया। जो घर से आपने होमवर्क करना है कैलकुलेट फॉर 3, 13, 52 and 200 submit, चार क्वेश्चन आपने करने। NID पता करनी है, BID पता करनी है, फर्स्ट एंड लास्ट वैलिड IP भी पता करना है, और वैलिड IP की रेंज भी पता करनी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने यहाँ क्लास में कराया था तो कोई भी गलती कहीं नहीं। मार्किंग करते चलें कौन सी नेटवर्क की बिट्स है, कौन सी होस्ट की है, कहाँ स्टार लगाना है, कहाँ डबल स्टार लगाना है, कोई भी गलती कहीं नहीं होनी है। अपनी मर्जी से करेंगे तो गलती हो सकती है। गिवन NID जो आपके पास है वो ऑब्वियसली अब क्लास बी की होगी, और ये है 172.19.00/16। क्लास सी में जो आपने बिट्स बोरो ली थी कहाँ से ली थी, फोर्थ ऑक्टेट से ली थी, बट बी के अंदर बोरो कहाँ से लेंगे, थर्ड ऑक्टेट से लेंगे। स्टेप बाय स्टेप करें, कोई गलती नहीं होगी। ये चार क्वेश्चंस आपने करके लेके आए हैं एज ए होमवर्क। आज के लिए इतने हैं, थैंक यू सो मच।